का तो सीधा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अभी परसों ही माननीय हमारे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और दिल्ली में उदय भान जी के नेतृत्व में तो सभी काफी लोग तो वहां पहुंच गए थे, 200 से 250 लोग थे वहां जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी, अरविंद जी सारी टीम और काफी सरपंच साहबान हमारे यहाँ रह गए थे, बड़े मौजूद लोग यहाँ थे। तो आज रात ही मैं 12:30 बजे पहुंचा हूँ तो सभी लोगों के फोन आ रहे थे, तो मैंने एक सोचा भी घर पे एक जलपान का भी प्रोग्राम हो जाए, इनकी भी ज्वाइनिंग हो और एक जो जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया है उसके हम समर्पित हों उसकी प्रति, और जिसको भी टिकट मिले कांग्रेस पार्टी तो सभी जो साथी मेरी टीम जो सभी सरपंच साहबान हैं यहाँ सभी उस का व्यक्ति का हम पूरा समर्थन करेंगे और जिताकर उसे भेजेंगे। जो आपने बात की भी किसी को भी टिकट मिले बहुत बड़ी बात आ रही है, अभी आपने टिकट की कोई शर्त नहीं रखी? मैंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने एक कहा कि विधायक चाहे कोई बने आपका मान सम्मान पार्टी में पूरा होगा और मैंने कोई टिकट की शर्त नहीं रखी। रतिया से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा चाहे वो आप हो या कोई हो तो आपका रुख क्या रहेगा सर, आपके समर्थकों का? रुख तो स्पष्ट आपको दिख रहा है कि हम अब 10 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और उन्होंने भी मुझे मान सम्मान बख्शा है विधायक रहा, लेकिन जो उन्होंने बिना बताए अगर मुझे हाईकमान वहां बुलाता, हमारे सीएम साहब बुलाते भी आपका आप नहीं जीत सकते या हम टिकट आपकी बदल रहे हैं आपने संगठन में काम करना है तो मैं विचार करता, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें वो दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं ऐसा बिहेवियर मेरे साथ किया गया है तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा और मैंने फैसला लिया कि अब राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और पहले भी हम राष्ट्रीय पार्टी में थे तो अब राष्ट्रीय पार्टी है जो कांग्रेस उसमें शामिल हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो माहौल भी कांग्रेस का है। विधायक जी जैसे आपके साथ बहुत ज्यादा सरपंच गए, जनप्रतिनिधि गए, चेयरमैन गए, मंडी के व्यापार मंडल के अनेक प्रतिनिधि गए आपके साथ कांग्रेस में शामिल होंगे, आप इनके मान सम्मान का आगे कांग्रेस पार्टी में कैसे ख्याल रखोगे सर? देखो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कोई मेरी टिकट की शर्त नहीं है। नहीं, इनका मान सम्मान जी आप पूरा कर, पूरा जितने सरपंच साहबान मेरे साथ खड़े पीछे भी हमने 2 साल से ये सरपंच है, कोई इनको ग्रांट की कमी नहीं आने दी, इनके मान सम्मान में कमी नहीं आने दी, चाहे इनके खिलाफ किसी ने कम्प्लेन डाली है किसी ने को आजकल थोड़ा शिकायत का भी रहता है तो मैंने पूरी जी जान इनके लिए लगाई और आगे भी जैसा भी होगा मैं इनके लिए खड़ा रहूंगा। आज भी सरपंच मेरी टिकट कटने के बाद भी मेरे साथ खड़े हैं तो मैं इनका मान सम्मान चेयरमैन का हमारे जो व्यापारी भाई हैं पहले भी इनकी लड़ाई मैंने लड़ी और आगे भी लड़ूंगा। आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का कैसा आप देखते हैं, भविष्य कैसे देखते हैं? कांग्रेस तो एक तरफा लहर है, जो इन्होंने 67 टिकटें बांटी है भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखो कि जीतने वाले जो मंत्री हैं विधायक हैं पूर्व मौके के विधायक हैं उन सबकी टिकटें काट दी, रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति को भी आपकी प्रेस वो करनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि ये हरियाणा में कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय, 70 सीटें कम से कम पिछला नारा जो भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का था वो कांग्रेस पार्टी का अब की बार होने जा रहा है, एक तरफा लहर कांग्रेस की हरियाणा में चल रही है। विधायक जी 15 दिन पहले आपका बयान सुना था कि कांग्रेस में फूट है आपका एक नम मतलब आना कांग्रेस में, ये कैसे मन मन? देखो हमने 10 दिन पहले लिख के भी भेजा था हाईकमान को, हम जो लोकल जो कैंडिडेट थे या जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे जिला अध्यक्ष थे हमने कहा कि अगर बाहरी प्रत्याशी यहाँ आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे और हमने वो बात अपने सिरे चढ़ाई, आपको पता है हमने लिख के दिया तो हमने तो नहीं कहा, लेकिन जब पार्टी अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी और एक जीते हुए कैंडिडेट को विनिंग एक जो विधायक है सीटिंग एमएलए है कांग्रेस का देख लो आपने एक भी टिकट नहीं काटी, उनके ऊपर आरोप है कोई उनके विधायक जेल में है उनको भी टिकट दिया उन्होंने, इसका मतलब हम सिक्योर नहीं है, अगर हमारा मुख्यमंत्री या हमारा लीडर हमारे ही वहां कार्रवाई नहीं करेगा विधायकों की तो हमारा क्या भविष्य है इस पार्टी में। विधायक जी एक मीडिया के सूत्र होते हैं, वो सूत्र बता रहे हैं कि जब से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया बहुत से लोगों को आपको फोन आ रहे हैं संपर्क कर रहे हैं भी हम आपके साथ हैं, कैसा है जी? बिल्कुल आप देख रहे हो कि आज मैंने सिर्फ सुबह 11 बजे एक मैसेज डाला और सबको हमने फोन किया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हूं तो लोगों सभी लोगों में है कि पहले थोड़ा इधर जो हमारा इलाका है वो किसानों का है या जैसे तो थोड़ा पार्टी का भी विरोध था, वो कहते थे विधापा तो चलो ठीक है क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर मैंने कोई भी मेरे मुख से कोई ऐसा बयान नहीं दिया
और मैं जो भी बात है तो उनकी मैंने सुनी है, चाहे वो सरपंचों की बात है, सरपंच साहबान आज यहाँ है, चाहे ये किसी भी पार्टी जुड़े, लेकिन मेरे साथ रहे, मैंने इनकी बात वहाँ विधानसभा में रखी है, माननीय मुख्यमंत्री के पास रखी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक जनता जिसको चाह रही थी या सब लोग पार्टी मेरे साथ थी, तो जो ये अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ मैंने ये कदम उठाया। जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपने भी कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप वो कांग्रेस पार्टी के हो जी, तो किसानों की आवाज उठाओगे जिसमें जो कांग्रेस? देखो अभी हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो संसद में, उन्होंने किसानों को बुला के बात की है लोकसभा, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम लोग थे, लोग कहते हैं यार रापा है तो शरीफ बंदा ठीक है, लेकिन वही बात है, वो पार्टी का विरोध था, उनका सरकार का विरोध था सेंटर में जो बीजेपी की सरकार। तो मैंने तो आज तक कोई शब्द नहीं बोला, अभी कल कोई मैडम के भी बयान आ रहे हैं ऐसे है, मैंने तू भी बोला मैंने क्या वो खंगाली है, एक ही इतिहास खंगाला है। हाँ इतिहास ने बता, अभी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ, तो मैंने संगठन में काम किया है, क्या किसका रहता है उसका अहंकार बोल रहा है आज भी कि किसी कार्य किसी भी कार्यकर्ता से बात नहीं कर रही। और आपने देखा 3 दिन में कोई वहां ऑफिस में भी नहीं गया, वो गया 4-5 लोग बता रही थी, तो आज ये देखा आप अजूम देख रहे हो, वो मेरे नहीं वो आपके गिना रही थी भी 4-5 लोग जो उनके साथ हैं, वो देख ही रहे हैं फोटो में वही लोग 4-5 आ रहे हैं। तो मेरे साथ तो इतने आए भी 70 सरपंच आज यहाँ। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।